नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। हाईवे को मिली बूस्टर डोज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में 65% बढ़ोतरी। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी गोवा में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के दल बदल पर निर्भर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को बताया दिशाहीन और गोलमाल, कहा किसान विरोधी है मोदी सरकार। भरण पोषण होने पर पत्नी वसीयत की गई संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती, सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला। तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए 866 नामांकन, 4 तक के ले सकेंगे नाम वापस। भाजपा की बहुप्रतीक्षित लखनऊ के प्रत्याशियों की सूची जारी, 17 और उम्मीदवार घोषित। मंत्री स्वाति सिंह का कटा टिकट, विधानसभा अध्यक्ष को फिर नहीं मिला मौका। कन्हैया कुमार पर लखनऊ में फेंकी गई स्याही, कांग्रेस ने बताया एसिड अटैक। राकेश टिकैत ने कहा बजट से किसान का नहीं कॉरपोरेट मित्रों का होगा लाभ। कोरोना ने दुनिया भर में मचाया तहलका, डब्ल्यूएचओ ने बताया पिछले 10 हफ्ते में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आए 9 करोड़ से ज्यादा मामले। यूएस इंडिया फोरम ने भी भरी सरकार की तारीफ, कहा बेहद व्यावहारिक बजट। भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर चुना बीच का रास्ता, यूएनएससी में वोटिंग से रहा नदारद। अमेरिका में आसमानी बिजली कड़कड़ाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन से हैम्बर्ग की दूरी तक बिजली चमकने का अद्भुत नजारा है सामने। रूस ने की पश्चिमी देशों से वार्ता की पेशकश, यूक्रेन ने सैन्य ताकत बढ़ाने का किया ऐलान। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 15 रनों से हराया, बनाई फाइनल में जगह। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी बेंगलुरु में होगी, 590 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अड़तीस साल के श्री संत को बीसीसीआई ने दिया मौका, आईपीएल 2022 में खेल सकते हैं श्री संत। अहमदाबाद पहुंची वेस्टइंडीज की टीम, 6 फरवरी से खेली जाएगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी बोले विराट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, उनका विकेट लेना सम्मान की बात। कंगना रनौत ओटीटी पर करने जा रही है धमाका, रियलिटी शो को होस्ट करेंगी एक्ट्रेस। द फैमिली मैन क्रिएटर राज एंड डीके की राजकुमार राव स्टारर वेब सीरीज को मिला टाइटल, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। पहली बार द ग्रेट इंडियन मर्डर में खास किरदार निभाते नजर आएंगे स्कैम एक्टर प्रतीक गांधी। प्रभास की फिल्म राधे श्याम की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अब 11 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।
कार्तिक आर्यन के घर आया नन्ना मेहमान, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।